विवाहितों को दहेज के लिए डीजल छिड़ककर मारने का प्रयास, रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने का आरोप। उत्तर प्रदेश के शाजापुर में दहेज के लिए एक विवाहिता को मारने पीटने के बाद डीजल छिड़ककर जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। पुलिस ने इस मामले की रिपोर्ट तो दर्ज कर ली, पर परिजनों ने आरोप लगाया है कि पति को गिरफ्तार कर सामान्य धाराओं में चलान कर जेल भेज दिया, जिससे उसकी हाथ जमानत हो गई। अब परिजन आरोप लगा रहे हैं कि पति अपने परिवार वालों के साथ मिलकर लड़की के परिवार वालों को धमका रहा है। समस्या मेरी यही है, वो कहता कि अगर अपने घर से पैसा नहीं लौट दिया मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, यही सब कहते हैं। मतलब साथ मेरी इतनी बदतमीजी करते, पी पी के मुझे मारते, रात भर सोने नहीं देते मुझे। और उस दिन जैसे तैसे हम लोधीपुर से निकलने की कोशिश कर रहे तो सास कह रही कि इसे मार डाल वरना ये और फैलावा करेगी, पुलिस में कंप्लेन, ये सब। तो मेरा बुरखा जला दिया, जीने पर से मुझे खींच लाई मेरी सास, मेरी से मेरे कमरे में मार, और कोई आ ना जाए घर से। जैसे तैसे मैं अपने घर पर फ़ोन करा तो मेरे घर से सब पहुँचे तो उसने उन पर भी हाथ चलाया। बहुत बदतमीजी करता सास मेरी, बहुत बदतमीजी उसके साथ। मेरे घर का कोई दिख ना जाए, यहाँ अकेली पड़ी रहे, ये सब करती है। और मुझे मारा भी 2-3 बार, और मेरा आदमी सिर्फ पैसे की मांग करता कि अपने घर से पैसा ला के दे। लड़की की लोधीपुर में 2020 फरवरी को हुई थी। लड़के वाले बहुत तंग करते हैं लड़की को, जिसमें हमें दहेज में हर चीज़ दी थी, कार भी दी, आपको नकदी रुपया मांगती माँ और लड़का। वो कहते हैं कि हत्या भी कर सकते हो लड़की, नहीं तो रुपया ना खाते हो। 50,000 एक दिया, 1,00,000 एक दिया, फिर भी रुपये से बात नहीं। उस दिन लड़की को पकड़ के चलाने की कोशिश करी तो वहाँ पे लड़की जैसे तैसे फोन करा, बीवी भी पहुँच गई तो उसे निकालना ही, थाना खुद वाले ने रिपोर्ट कराई तो रिपोर्ट चली रही है। अभी है बात हमारी बेटी को, लोग बहुत परेशान, बहुत टॉर्चर करते हैं। उसका जो आदमी है वो पीटी के रात में मारता है, और कहता अपने घर से पैसा ला दिए, मैंने पैसे की वजह से शादी करी, वही तो कार मोटरसाइकिल सब थी, लेकिन वो मारता, उसकी माँ बहुत परेशान करती है, चाहती है। और दिन भी रात में उसे मारा, और उसको मार के ये कहते इसको मार दो, उसकी माँ इसको आने नहीं देती नीचे, अपने छत पे रहती है। तो इसकी कार्रवाई कभी थाने आने में की आपने? थाने आने में नहीं की, बस उस दिन करीब 19 तारीख को वो भी इसे मारा, मैं चुपके से फोन करा, फिर हम और उनके पापा दो लोग, हमसे भी दोनों बदतमीज, उनके पापा की रहती तबीयत खराब, उनका इलाज चल गया, और उन्हें ये बातें बताती नहीं इसलिए थी कुछ। 8 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान हम लोग हैं। तो दहेज के कारण ही उत्पीड़न करते हैं? दहेज के कारण क्या, पैसे खाते करते हैं, पैसा नगद दो, में तो पैसा 2 बार दे भी चुके हैं। कितना कितना दे चुके? 2 बार दे चुके, 1 बार 50,000 दिए, 1 बार 1,00,000 दिए रुपये, फिर भी संतुष्ट नहीं। हाँ, देखते हैं क्या होगा। अब नहीं देंगे पैसा फिर क्या करेंगे? तो मार देंगे, कहते अगर पैसा नहीं लाए तो तुम्हारा कोई काम नहीं, इसको मार दो। उसकी माँ भी यही कहती है, किसका किस्सा खत्म करूँगा।